हेलो फ्रेंड, मैं अनिल कुमार गुप्ता आपकी अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टेक इंजीनियर्स पर स्वागत करता हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि आज का जमाना बहुत खराब चल रहा है। खराब नहीं चल रहा है, लेकिन सही चल रहा है। तो आजकल आपको मालूम ही होगा कि बिना फायदा से फायदा का, बिना एडवांटेज का, बिना प्रॉफिट का कोई काम, कोई भी इंसान कोई काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों को यहाँ क्या एडवांटेज मिलेगा। हमें भी बोलेंगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो आप लोग ही सोचेंगे क्या फायदा होगा। सोचेंगे कि नहीं, आप लोग लग रहा है सोचेंगे। तो देखिए, हम लोगों का जो ड्रीम टेक चैनल है उसमें आप लोगों के पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो देखिए, हम लोग थ्योरेटिकल जितने भी सब्जेक्ट हैं, 9th और 10th, 11th, 12th और डिप्लोमा में जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिविल के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, हमारे यहाँ फैकल्टी बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप सब्जेक्ट का तो नाम आपको गिनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक के सब्जेक्ट पर वीडियो आएगा, आप लोगों को विधिवत पढ़ाया जाएगा। और सेकेंड हम लोगों का है प्रैक्टिकल नॉलेज, कैसे हम लोग बहुत कंपनियों में टाई अप किए हैं, जहाँ जाकर आपको प्रैक्टिकली में दिखाया जाएगा। मान लीजिए आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स से हैं, तो आपको हम लोग ले जाके वहाँ पे कंपनी में दिखाएंगे कि इंजन कैसे असेंबल किया जाता है, पिस्टन कैसा होता है, क्रैंकशाफ्ट कैसे होता है, कैमशाफ्ट कैसे होता है, टर्बो चार्जर क्या होता है, FI पंप क्या होता है, DDU क्या होता है, A2 वाल्व क्या होता है, गियर बक्सा क्या होता है, क्लच प्लेट क्या होता है, प्रेशर प्लेट क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, डिफरेंशियल गियर क्या होता है, फ्रंट एक्सल क्या होता है, रियर एक्सल क्या होता है, ये सब हम बताएंगे। सिविल में आपको सर्वे वाले जो सब्जेक्ट हैं, जरीब और जो भी कंस्ट्रक्शन में वर्क होने वाला जितने भी मटेरियल होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इस्टीमेशन सब्जेक्ट, इस्टीमेशन पढ़ाया जाएगा। और इलेक्ट्रिकल में भी जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल वाले जो सर हैं वो पढ़ाएंगे। तो क्या है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए, आजकल जो समय है, जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सब अब ऑटोमेटेड हो गई हैं। ऑटोमेटेड जमाना में या तो आपको कोडिंग आना चाहिए, कैसे मशीनें होती हैं, CNC मशीन, BMC मशीन, DMC मशीन, तो इसमें क्या होता है, या तो डिजाइन बना के, अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उससे प्रोडक्शन होता है, या आप कोड करते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। AutoCAD मैकेनिकल के लिए बता रहे हैं, AutoCAD हो गया, SolidWorks हो गया, CATIA हो गया, और सब है जो आपको बताया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। और सिविल में भी है, सिविल के भी सब्जेक्ट हैं, कैसे आपको घर का डिजाइन बनाना है, तो नॉर्मली AutoCAD के सबके लिए कॉमन होता है, कहें वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, और इसका केमिकल वाले भी इसका यूज करते हैं। तो सिविल का होता है रैबिट हो गया, स्टेट प्रो हो गया, ऐसे CS आता है। कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एंड्राइड, जावा, पाइथन, C++, हैकिंग इत्यादि जिसी जो भी होता सॉफ्टवेयर वो पढ़ाया जाएगा आपको और बताया भी जाएगा। और नीचे यहाँ पर लिखा है जॉब नोटिफिकेशन। तो देखिए, हम लोग जो बहुत कंपनियों से हम लोग का टाई अप है, वहाँ पर जब भी भर्ती आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा जॉब के रिलेटेड, तो हम लोग पहले बात करके आपको बताएंगे कि कहाँ पर कितने सीट निकली है। तो इसका भी हम लोग को वीडियो बनाते रहेंगे जॉब नोटिफिकेशन का। हमारा ट्रेवलिंग के बारे में आगे के वीडियो में विधिवत आपको क्या किया देंगे समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ में आया हो तो क्या बोलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब, और याद नहीं आ रहा और कुछ करना हो जो कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।